हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के दो महान सिंगर के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज से पूरे भारत को तो अपना दीवाना बनाया ही, साथ में करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की कोयल कहे जाने वाली लता मंगेशकर और सुरों के सम्राट माने जाने वाले मोहम्मद रफी के बारे में। जहाँ लता मंगेशकर जी ने अपने पूरे करियर में 5,328 हिंदी फिल्मों में गाने गाए और 127 मराठी गाने, 405 बंगाली भाषा में गाने गाए, 206 संस्कृत में, 24 गुजराती में, 48 पंजाबी में और 198 गाने एल्बम के रूप में गाए। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए और उनके गीतों से ही फिल्मों ने सफलता पाई। और इस बात का सबूत ना जाने कितने अवार्ड हैं, जहां उन्हें 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं 1969 में उन्होंने नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक पुरस्कार छोड़ दिया था। इसके अलावा उन्हें 1972, 1975 और 1990 में 3 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 1969 में प्रथम भूषण अवार्ड प्राप्त हुआ। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2001 में भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसी गुड़ी और महान गायकों की तारीफ में हम कितनी भी बात कर लें, शब्द कम ही पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी तारीफ कम नहीं होगी। और ऐसे ही थे सुरों के सम्राट मोहम्मद रफी साहब, जिन्होंने दिलीप साहब से लेकर शशि कपूर तक सभी को अपनी आवाज दी और उन्होंने अपने करियर में 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड जीता। ऐसे में जहां रफी साहब को लोग आवाज का फरिश्ता कहते थे, तो वहीं लता जी भी सबके गले का हार बन जाती हैं। उन्होंने मीना कुमारी से लेकर काजोल तक के लिए गाने गाए हैं। ऐसे में ये दो महान कलाकार कभी आपस में झगड़ सकते हैं? इस बात को सुनकर बड़ा अचंभा सा लगता है, पर ये बात सही है। भारतीय सिनेमा को एक समय ऐसा भी देखना पड़ा जब मोहम्मद रफी साहब और लता जी का झगड़ा हो गया और ये झगड़ा 1963 से 1967 तक पूरे 4 साल तक चला। ये झगड़ा फिल्म के गाने की रॉयल्टी को लेकर शुरू हुआ था। दरअसल लता जी चाहती थी कि म्यूजिक डायरेक्टर की तरह सिंगर को भी गाने की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुकेश जी, तलक महमूद, किशोर कुमार, मन्ना डे, आशा भोसले, महेंद्र कुमार जैसे सभी गायकों से बात करके एक संगठन बनाया, लेकिन रफी साहब इस संगठन में शामिल नहीं हुए। वो लता जी के खिलाफ चले गए। रफी साहब का कहना था कि फिल्म के प्रोड्यूसर हमें गाने का पैसा देते हैं और फिल्म फ्लॉप होने पर हम उनके सहयोगी नहीं बनते, तो हम उनसे रॉयल्टी कैसे मांग सकते हैं। तो वहीं लता जी का कहना था कि अगर संगीतकारों को रॉयल्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं, और वैसे भी हम यहाँ औरों की तरह बिजनेस करने आए हैं और गाना गाने आए हैं। हालांकि इस दौरान लता जी को इस मुद्दे पर मोहम्मद रफी के साथ साथ राज कपूर जैसे महान एक्टर का भी सामना करना पड़ा, जिसके चलते लता जी मोहम्मद रफी से इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने रफी साहब के साथ गाना ना गाने की कसम खा ली। लता जी की इस कसम के चलते हिंदी सिनेमा में तूफान सा आ गया। फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और संगीतकार सभी लोग चिंता में पड़ गए और सभी लोग लता जी और मोहम्मद रफी को मनाने लगे, लेकिन दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं हुआ और लता जी ने किशोर कुमार, मन्ना डे और तलक महमूद के साथ अपनी जोड़ी बना ली। तो वहीं मोहम्मद रफी साहब ने भी हेमलता, सुमन कल्याण और शारदा के साथ अपनी जोड़ी बना ली और इस झगड़े के दौरान रॉयल्टी की बात बहुत पीछे छूट गई, जिसके बाद पूरा बॉलीवुड इस बात के पीछे जुट गया कि किसी तरह रफी साहब और लता जी फिर से एक साथ गाना गाने लगे। और इस प्रयास में बॉलीवुड के महान कलाकार जैसे दिलीप साहब, नरगिस और सुनील दत्त भी शामिल हो गए और आखिर इन सब की मेहनत रंग लाई और पूरे 4 साल बाद कामयाबी मिली और ये दो दिग्गज फिर से एक साथ गाना गाने लगे। और इस खबर से पूरे बॉलीवुड में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। निर्माता, निर्देशक और संगीतकार सब लता जी और रफी के पास पहुँचने लगे, अपनी फिल्मों के गाने रिकॉर्ड करने लगे, जिसके बाद लता जी और रफी साहब ने संगीत प्रेमियों से ये वादा किया कि ये आवाज अब कभी अलग नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ, जहां रफी साहब ने लता जी के साथ गाना गाते हुए इस दुनिया को अलविदा कहा, वहीं लता जी की भी रॉयल्टी को लेकर जीत हुई। वैसे इन दो महान गायकों में आपका फेवरेट सिंगर कौन है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो में लास्ट तक बने रहने का आप सभी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम। वैसे अगर मेरी मेहनत या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक
करना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना कि हम आपके लिए इसी मेहनत के साथ वीडियो बना सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।